अमेरिकी टेक दिग्गज कंपनी एप्पल ने WWDC 2018 की शुरुआत कर दी है। कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए इस इवेंट में टीम कुक ने इस इवेंट की शुरुआत की। इवेंट की शुरुआत में ही कंपनी ने iOS 12, फेस टाइम, बेहतर एप्पल वॉच और मीमोजी जैसे फीचर को लॉन्च किया है। नमस्कार, मैं हूं जोयिता भट्टाचार्य और आप देख रहे हैं लोकमत न्यूज हिंदी टेक्शाला। हम बात कर रहे हैं 4 जून से शुरू हुए एप्पल के WWDC इवेंट के बारे में। इस इवेंट में कंपनी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उम्मीद के मुताबिक एप्पल ने इवेंट के पहले दिन अपने नए सॉफ्टवेयर iOS, macOS और watchOS को अपडेट किया है। इसके अलावा कंपनी ने आर्गुमेंट रियलिटी प्लेटफॉर्म AR किट को भी रिलीज किया है, जिसके बाद कंपनी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो आइए जानते हैं इन इवेंट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में। You guessed it, iOS 12. Apple iOS 12. Apple ने iPhone और iPad के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम iOS का नया वर्जन iOS 12 पेश किया है। iOS 12 उन सभी डिवाइसेस के लिए मौजूद होगा जो iOS 11 को सपोर्ट करते हैं। बता दें कि iOS 12 और iOS 11 के मुकाबले 2 गुना फास्टर होगा और इसमें कैमरा, ऐप, कीबोर्ड ज्यादा तेज काम करेगा। iOS 12 में AR टेक्नोलॉजी मौजूद होगी जो यूजर को वर्चुअल वर्ल्ड में भी रियल वर्ल्ड का फील कराएगी। WatchOS 5। Apple Watch के लिए नया OS 5 लॉन्च किया गया है। इसमें एक्टिविटी शेयरिंग, एडवांस्ड रनिंग फीचर, ऑटो वर्क डिटेक्शन जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा इसमें वॉकी टॉकी नाम से एक एप्लीकेशन भी मिलेगा। कंपनी ने एप्पल वॉच का प्राइड एडिशन लॉन्च किया है जिसमें नायलॉन बैंड है। इसकी भारत में कीमत 3,900 रुपए होगी। कंपनी के इवेंट में एप्पल टीवी 4K को भी लॉन्च किया गया है। इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम सपोर्ट दिया गया है। साथ ही ये टीवी 4K कंटेंट को सपोर्ट करेगा। एक बड़ा फायदा ये है कि इसके आईफोन यूजर्स अपने टीवी को आईफोन के जरिए एक्सेस कर पाएंगे। macOS Mojave, macOS को भी कंपनी ने अपडेट किया है। अपडेट के बाद प्रोफेशनल्स और होम मैक यूजर को कई सारे नए फीचर्स मिलेंगे। macOS में अब डार्क मोड मिलेगा। साथ ही मैक के ऐप स्टोर को भी रिडिजाइन किया गया है। इसमें डेस्कटॉप, ऐप फाइंडर, ग्रुप फेसटाइम जैसे नए फीचर्स को शामिल किया गया है। टेक जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे लोकमत न्यूज.in के साथ।